जय जोहार संगवारियों। अभी इस वक्त हूँ मैं तुलुंगलूर में और ये किशोर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और इंडिया का पहला जो मस्जिद है वो देखने जा रहा हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ, नए जगह में हूँ मैं इस वक्त कोडंगलूर में, जो कि ये पड़ता है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, और एक ख़ास जगह में आया हूँ। इंडिया की पहली मस्जिद जहाँ बनी थी वहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देख सकते हो, इंडिया का पहली मस्जिद यही बना था कोडंगलूर में। हालांकि इसका बनने का सिलसिला है, कई बार बीच में टूटा और बना भी है, लेकिन यही वो जगह है जहां पहला मस्जिद, जो पहला नींव रखा गया है इस्लाम का, वो यही है। ये इसको लगभग ये 1040 ईयर कंप्लीट हो गया है इसको। ये जो बना था 629 एडी में ये इसका निर्माण हुआ था। ये जो मस्जिद है इसका जो नींव जो रखा है वो है मोहम्मद ए इस्लाम करके एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका नींव रखा है। और ये जो मस्जिद है काफ़ी पुराना है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद यही है। मस्जिद है, इसमें आपको एक छोटा सा तालाब भी देखने को मिल जाता है। और ये जो पूरा मस्जिद बना था पूरा लकड़ी से बना था, और इसके अंदर भी मैंने विजिट किया है, वो पूरे अंदर में लकड़ी से ही है। और यहाँ एक और भी मान्यता है, यहाँ कोई भी धर्म के लोग आके एक अंदर में दीप जलता है, उसके लिए आप जो ऑयल है उसको डोनेट कर सकते हैं, वो कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं। ये जो मस्जिद है इसको बनाने का आदेश यहाँ के राजा ने दिया था, जिसका नाम है, यहाँ का जो राजा का चेरमन पेरुल करके उनका नाम था, जिन्होंने ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार लिखा है कि उन्होंने अपना जो धर्म है वो कन्वर्जन किया और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया, और उन्होंने ही ये मस्जिद बनवाने का आदेश दिए थे। तो कुछ इस तरीके से है गाइस, जो इंडिया का सबसे पहला जो इस्लाम धर्म का जो मस्जिद बना था वो यही है। क्या कहा जाए, इस प्लेस का नाम जो है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के कोडंगलूर में है ये, और कोडंगलूर में काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ ये पक्षी भी है, और इस तरीके से यहाँ का मस्जिद है। तो ये था कुछ सबसे एशियंट मस्जिद, और 1040 साल पुराना, काफ़ी पुराना है भाई। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यहाँ का कुछ बोर्ड भी बताते हैं, देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से है ये।